हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सेफ होंगे। तो बड़े दिनों के बाद आज वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो बड़ा एक एक्साइटमेंट है कि आप लोगों से बातें करूँगी, आप लोगों को के से इंटरेक्ट होंगी। तो बहुत दिन हो गए थे मेरा कोई वीडियो नहीं आया था। बहुत दिन क्या, आई थिंक 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि डाला मैंने लेट था। बर्थडे वाला जो वीडियो था इससे पहले वाला, वो मेरा 20 दिन पहले का 6 जून का वीडियो है। और आज है 25 जून, 19 दिन पहले का वीडियो है वो। और आज है 6 जुलाई, 6 जुलाई का वीडियो था वो, आज है 25 जुलाई। और चीकू को देखिए, कैमरा ऑन होते ही कैसे कैसे नाचने लगा है, इतना क्यूट लगने लगा है ना। अब इसके जो ब्लैक ब्लैक धारी होती है वो भी आ गई है। अभी तो ऐसे नहीं समझ में आएगी, मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगी कितना क्यूट लगने लगा है। तो पहले जब बच्चे होते ना पैरट, तो पैरट के जब ये बच्चे होते हैं तो इन लोगों के वो धारियाँ नहीं होती हैं, ब्लैक और यहाँ पीछे रेड। बट जब ये बड़े होने लगते हैं, अभी 2 साल का हो गया तो इसके वो धारी लाइनिंग आ गई है पूरी, तो मैं दिखाऊंगी। अभी बज रहा है शाम का 6:20 हो रहा है और मैंने कहा नहीं, मुझे आज आप लोगों से बातें करनी है, अपना व्लॉग स्टार्ट करना है। तो बस मैंने स्टार्ट कर लिया। तो प्लीज़ आप सभी लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और आज से सावन भी शुरू हो गया है, तो आप सभी लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल है सावन का पहला सोमवार, तो देखो व्रत हो पाता है कि नहीं। वैसे कोशिश करूंगी कल व्रत रहने की, तो कल व्रत भी रहेगा, सावन का पहला सोमवार है। आप लोगों को जैसा कि पता है, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं हर साल सावन के सोमवार व्रत रखती हूँ। तो इस बार भी क्यों छोड़ूंगी, इस बार भी रहूंगी। तो और बस यही सब है। और मैं कुछ बना रही हूँ मीठा, वो क्या बना रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसा कुछ कोई खास नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत दिनों से मन हो रहा था रबड़ी खाने का, बहुत दिनों से मेरा मन था रबड़ी खाने का। तो आज फाइनली मैं रबड़ी बना ही रही हूँ। हस्बैंड मेरे कल गए हुए थे बाहर झांसी के पास, एक दतिया है वहाँ पर है पीताम्बरा देवी का सिद्धपीठ मंदिर, तो ये उनके दर्शन करने कल गए हुए थे। तो आज ये आएंगे, अभी तक आए नहीं है। शाम का बज रहा है 6:20, अभी तक ये आए नहीं है, आज आएंगे। तो बस कई दिनों से मेरा मन हो रहा था रबड़ी बनाने का, बट ये चले गए तो फिर मैं नहीं बना पा रही थी। लेकिन मैंने कहा आज जब आ ही रहे हैं तो फिर आज बना लेते हैं। तो रबड़ी मेरी गैस पर बन रही है, उसकी क्लिप भी मैंने थोड़ी सी शूट कर ली है, जो कि आगे आप लोगों को एक साथ प्रॉपर रेसिपी जो है वो देखने को मिलेगी कि मैं रबड़ी किस तरह से बनाती हूँ। और बहुत अच्छी लगती है रबड़ी, तो किसको नहीं अच्छी लगेगी। अच्छी चीज़ तो देखिए सबको ही अच्छी लगती, तो वैसे मुझे भी रबड़ी बड़ी अच्छी लगती है। और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मैं किस तरह रबड़ी बनाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। बहुत बड़ा लंबा लेंदी वीडियो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी। बस मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट होना था, इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। अभी शाम का टाइम है, शाम का जो भी रूटीन होगा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए चीकू को मैं दिखा रही, चीकू की गर्दन पर आप लोग देख सकते हैं नीचे से ब्लैक ब्लैक धारी हो गई है, बहुत अच्छी लगने लगी ये लाइनिंग, नीचे से ब्लैक और ऊपर से रेड हो रही है। रेड अभी हल्की हल्की होनी बाकी है और ब्लैक तो पूरी तरह से हो चुकी है। पीछे से पूरा जो गर्दन है ये पूरी एक लाइनिंग सी बन जाएगी रेड की, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। अभी से ये प्यारा लगने लगा है, बहुत क्यूट लगने लगा है। तो यहाँ पर मेरी रबड़ी जो है वो बन रही थी, मैंने जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई में काफ़ी हद तक दूध मेरा पक चुका था, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप जो है थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया मैंने वीडियो बनाना। तो अभी तक देख सकते हैं आप लोग दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, बट अभी तो ये कुछ नहीं, अभी ये बहुत गाढ़ा होगा। तो बस मैंने ना मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मेरा दूध भी गर्म हो रहा था साथ के साथ, और इधर मेरी रबड़ी भी बन रही थी, दोनों काम मैं साथ के साथ ही कर रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो ये मलाई पड़ रही है, इस मलाई को मैं तुरंत के तुरंत ही साइड से निकाल दे रही हूँ। इससे क्या होगा, आपकी जो रबड़ी है वो बहुत अच्छी और क्रीमी क्रीमी सी बनेगी। अगर आपको लच्छेदार रबड़ी खानी है ना, तो जो ये मलाई है इस मलाई को आप लोग साइड में कर सकते हैं कढ़ाई के, और जब पूरी रबड़ी बन जाए तो निकाल सकते हैं। बट मुझे ये क्रीमी वाली रबड़ी पसंद है, तो यहाँ पर जो भी मलाई मेरी पड़ जा रही थी उसको मैं तुरंत के तुरंत निकाल दे रही थी, और काफ़ी हद तक जो मेरा दूध है वो गाढ़ा हो चुका है और रबड़ी बन ही रही थी उधर। इधर मैं चाय भी बनाने लगी थी क्योंकि इनको पीनी थी चाय। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हद तक क्या, बस मेरी रबड़ी जो है वो बनने पर ही आ गई है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, और चीनी मैंने देख सकते हैं छोटी सी कटोरी में केवल 3 छोटे चम्मच चीनी ली है, क्योंकि ऑलरेडी से दूध पक पक के इतना मीठा हो जाता है, और फिर रबड़ी हम लोगों को हल्की मीठी ही पसंद आती है, तो मैंने चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद अभी इसको थोड़ी सी देर और पकाऊँगी, और बस हमारी जो रबड़ी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस जो हमारी रबड़ी है वो बनकर हो चुकी है रेडी, मैं इसको ढक के रख दूँगी अभी कुछ देर के लिए, ऐसे ही छोड़ दूँगी।
और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी, ये कलर थोड़ा सा पास से दिखाने में अलग सा आ रहा था, इतनी ठीक है, ये ठंडी होगी तो ये और ठीक हो जाएगी। बेटो क्या कर रही हो? बिस्कुट खा लो, सबको भी बोलो हाय, हेलो कर दो, हेलो प्यार कर दो। ये क्या क्या लिए हो, क्या लिए हो? सारे डब्बे अपने पास रखे हो? चीकू क्या कर रहे हो? यहाँ पे सब लोग चाय पी लो फटाफट से। बिट्टो अच्छा बाय कर लो, बाय कर लो बिट्टो, खा लो खा लो। क्या खाओगी, क्या खाओगी आप बताओ? नमकीन चाचा को दे दो, चाचा नमकीन खा लो, वो नहीं खाएगी, वो उसको मत देना फैलाएगी। यम, अच्छा बाय कर लो, बाय कर लो बिट्टो, बाय कर लो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दे रही थी प्रसाद, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए माता रानी का। माता रानी आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं और सभी को अच्छा रखें, और जो भी पेंडेमिक चल रहा है वो सब जल्दी से ख़त्म हो जाए, मैं ऐसी कामना करती हूँ माता रानी से। जय माता दी, सबसे कर लो तो फ्रेंड्स वापस से मैं आप लोगों को उसी जगह बैठी मिल रही हूँ, लेकिन हाँ अब टाइम चेंज है और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, देखिए पूरा चेहरा बिल्कुल पोछा हुआ रखा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जस्ट आके रूम में बैठी हूँ, आके पहले मैंने आप लोगों से बात की थी, तब था 6:15 था और अभी 7:30 बज रहा है, पूरा 1.25 घंटा हो गया है। 1.25 घंटा में मेरे सारे काम जो अभी तक के थे वो निपट चुके हैं, मेरी रबड़ी जो है वो बन चुकी है, उसको मैंने एक टिफिन में निकाल के रख दिया क्योंकि उसको आज हम लोग नहीं खाएंगे, कल मंडे है, कल हमारा और इनका और महिमा का, हम तीनों लोगों का ही व्रत है, तो रबड़ी को हम लोग कल ही खाएंगे। और दूध मेरे गर्म हो चुके हैं, चाय मैंने बना के इनको दे दी है, मैंने भी पी ली है और आज मैंने अब चाय पी है, मैंने मॉर्निंग में भी चाय नहीं पी थी क्योंकि ना मुझे चाय वैसे पसंद नहीं है, मैं सिर्फ इनको कंपनी देने के लिए चाय पीती हूँ और मेरा सर दुखने लगता है अगर चाय ना पीऊँ, मुझे पसंद नहीं है चाय, मतलब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, चाय मुझे पसंद नहीं बट मुझे पीनी पड़ती है क्योंकि इनको भी मतलब इनके साथ पीती हूँ, अगर नहीं पीती हूँ ना मैं तो मेरा सर दुखने लगता है, एक टाइम तो मुझे चाय चाहिए चाहिए मॉर्निंग में, लेकिन मैंने आज आलस की वजह से नहीं बनाई, मैंने कहा क्या खुद के लिए अकेले के लिए बनाओ तो मैंने नहीं बनाई, तो हालांकि मेरा सर भी दुख रहा था तो मैंने मेडिसिन खा ली थी लेकिन चाय बना के नहीं पी, मेडिसिन खा लूंगी लेकिन चाय नहीं पीऊंगी। और बस अभी तक के सारे काम खत्म हो चुके हैं, 7:30 बजे मेरे पास 1.5 घंटा अभी और है जिसमें मुझे डिनर बनाना है, हालांकि ये प्रसाद देने गए अपने एक फ्रेंड को, आप लोगों को मैंने प्रसाद भी खिला दिया है माता रानी का, अब आप लोग ये मत कहिएगा मैंने प्रसाद नहीं खिलाया, और बिट्टो को भी देखा कैसे मस्ती करती है, सारा सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अभी डिनर बचा है, डिनर में आज बन रहे हैं, बनाऊंगी चने की दाल के खस्ता कचौड़ी और आलू मटर टमाटर की सब्जी, बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। लंच में वही खाया था हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा खाया था सुबह मॉर्निंग में, जीजा जी बाहर से नाश्ता ले आए थे तो हम लोगों ने वो नाश्ता कर लिया, तो लंच थोड़ा सा कम ही कम हम लोगों ने खाया था, तो डिनर में भी अब वही खाएंगे, बहुत यम्मी बना था, एक बार खाने से मन नहीं भरा दोबारा भी खाएंगे, और इन्होंने तो अभी तक नहीं खाया ना वो, तो इनको भी वही बनाकर दूंगी, हालांकि अभी ये है नहीं, गए हैं अपने फ्रेंड के यहाँ उनको प्रसाद देने के लिए, जब ये आ जाएंगे तो अगर हो सकेगा तो मैं इनकी प्लेट आपको दिखाऊंगी सब्जी और खस्ता कचौड़ी की, बहुत ही यम्मी बनी थी, चने की दाल की बनती है खस्ते जैसी मैंने बनाई थी कचौड़ी, बिल्कुल मोहन वगैरह डालकर बहुत ही यम्मी लग रही थी, जैसे कि वृंदावन में मिलती है ना, वृंदावन साइड उधर साइड बहुत मिलती है इसी टाइप की, उनको बेदमी पूड़ी बोलते हैं, और पूड़ियाँ उससे सब्जी मिलती है, कद्दू की मीठी सब्जी मिलती है और पतली पतली सी आलू की सब्जी मिलती है, बहुत अच्छी लगती है वो सब्जी, तो आज बस वही खाने का मन था क्योंकि बहुत दिनों से वृंदावन जाने का मन हो रहा है लेकिन नहीं जा पा रही हूँ, उसमें मैं अपने हाथ में कुछ नहीं होता, जब बांके बिहारी बुलाएंगे तभी जाना हो पाएगा, मैं इतना ज़्यादा मेरा मन उब चुका है ना कि बस मुझे लग रहा है मैं कितनी जल्दी चली जाऊँ, मैं इनसे कई बार से बोल चुकी हूँ और ऐसा मेरे साथ हो रहा है
ये 3 साल हो गए, इस बार मैं 3 साल से वृंदावन नहीं गई हूँ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता, मैं वो आती हूँ, बट इस बार हो गया कि 3 साल हो गया मैं कहीं भी घूमने नहीं गई वृंदावन का, मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ। बड़ा मन ऊब सा रहा है, बस ये लग रहा है कि बस फटाफट से कहीं घूमने निकल जाओ, लेकिन अभी नहीं जा सकती हूँ। और हाँ, आप लोग अभी 7:30 बजा है, 9 बजे तक का मेरे पास टाइम है, 9 बजे जैसा कि आप लोगों को पता है मैं लाइव करती हूँ, तो आप सभी लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं दिल से थैंक यू आप लोगों को बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं सच बता रही हूँ दिल से, कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप सब मेरा इतना सपोर्ट करेंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस आज यही कुछ बातें थी, बातें तो बहुत सारी, बट अगर करने बैठ गई तो बहुत लंबा टाइम मतलब बीत जाएगा, इसलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगी आप लोगों से एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नतिक बाय कर लो। और ये है आज का डिनर, कचौड़ियाँ कितनी मस्त लग रही हैं, और ये है आलू मटर टमाटर की सब्जी, और थोड़ा सा राइस भी इन्होंने लिया था, और इसी तरह की सब्जी जो वृंदावन में है वो मिलती है, इससे भी बारीक बारीक उनके आलू होते हैं, और ये मस्त कचौड़ी मिलती है। किस किस को देख के मुंह में पानी आ गया मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये रही रबड़ी, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए ठंडी होने के बाद भी ये कितनी अच्छी थीक, बिल्कुल परफेक्ट जो इसकी कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट हो गई है। तो किस किस को मेरी रबड़ी की रेसिपी और मेरी खस्ता कचौड़ी अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से, बाय बाय।